पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पीतल नगरी के छोटे उद्यमियों की दिक्कतें हल करने और उनके अधिकार को दिलाने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सीमा उनकी आवाज बुलंद करने के संकल्प के साथ इसका विधिवत गठन किया गया। राही होटल में संस्था के प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में सीमा की मुरादाबाद शाखा की 11 सदस्य एग्जीक्यूटिव कमेटी विधिवत गठित की गई। स्मॉल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नोएडा कानपुर समेत प्रदेश के कुछ जिलों में ये एसोसिएशन छोटे उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए गंभीरता के साथ प्रयासरत है। मुरादाबाद के उद्यमियों की दिक्कतें भी दूर कराना प्राथमिकता रहेगी। एमएसएमई सेक्टर गुजर रहा है, चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कोरोना के काल से इस समय बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारी एसोसिएशन जिसके मुख्य संरक्षक माननीय आलोक रंजन जी हैं, पूर्व आईएएस चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश शासन, हम लोगों का ये मानना है कि अब हम लोगों को हर प्रदेश के हर उस वर्ग में जाना होगा और सरकार के पास अब हम लोगों का समय आ गया है कि हम अपनी मांगों को, अपनी चीज़ों को भरपूर तरीके से रखें, जिससे कि अब क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, अगर मैंडेट में हम उसी सरकार को चुनेंगे जो हमारे हितों की बात करे। सीमा के मुरादाबाद चैप्टर चेयरमैन इफ्तखार अली ने कहा कि प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव आलोक रंजन की ओर से इस एसोसिएशन का गठन किया गया है। छोटे उद्यमियों की समस्याएं और चुनौतियां इतनी तेजी के साथ बढ़ी हैं कि मुरादाबाद से उनका दूसरे देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और अन्य प्रदेशों में पलायन काफी बढ़ गया है। सीमा उनका पलायन रोकने और यहां से दूसरी जगहों पर चले गए उद्यमियों को फिर से अपने शहर में वापस लाने के मकसद के साथ गंभीरता से प्रयास शुरू करेगा। इस पीतल नगरी में सीमा एसोसिएशन का आगाज हुआ है, उसमें हमारे खुसूसी मेहमान प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी थे। आज हम लोग वैसे तो मुरादाबाद में बहुत सी एसोसिएशन हैं, लेकिन कुछ एरिया एसोसिएशन से छूट जाता है जो कुछ नीचे तबके या नीचे आर्टिजन या कारीगरों की निगाहें नहीं पहुंचती हैं कुछ एसोसिएशन की। हम लोग सीमा के द्वारा उन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज और व्यापारी की समस्याओं को दूर करेंगे। और ये सीमा जो हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्री आलोक रंजन जी की सरपरस्ती में है, उनको बहुत 40 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी सरपरस्ती का हम लाभ लेंगे और मुरादाबाद की इंडस्ट्रीज को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। मुरादाबाद चैप्टर की कमेटी का गठन कब तक करेंगे? बस मुरादाबाद चैप्टर कमेटी का फिलहाल 8-7 दिन के अंदर हम कमेटी बना करके माननीय आलोक रंजन जी को भेंट करेंगे लखनऊ जाकर। क्या जो ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी क्या उसको देखते हुए स्मॉल इंडस्ट्री का एसोसिएशन का गठन? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नेशनल लेवल की इसकी एसोसिएशन है जो विदेशों में और देश में बहुत अपना काम कर रही है। मुरादाबाद उत्तर इंडिया में, हिंदुस्तान में जो है 11-12 चैप्टर खुल चुके हैं, 13वां चैप्टर मुरादाबाद में खुला है। ऑलरेडी ये बहुत काम कर रही है मुरादाबाद में, अभी पहली बार ये ओपनिंग हुई है। बिल्कुल, मुरादाबाद के एक्सपोर्टर और दूसरी इंडस्ट्रीज की भी सारी प्रॉब्लम जो छोटी छोटी से लेकर बड़ी तक है, उन समस्याओं को गौर किया जाएगा, उन समस्याओं को बिंदुवार इकट्ठा कर करके हम लखनऊ पहुंचाने का काम करेंगे। इफ्तखार अली ने बताया कि मुरादाबाद में 43 मेंबर्स के साथ एसोसिएशन की शुरुआत हुई है, जल्द ही संख्या बढ़ाकर 100 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सीमा के महासचिव हरजिंदर सिंह, ट्रेजरार कीर्ति प्रकाश, एएस राठौर, एमएचईए के अध्यक्ष नवेदुर रहमान, संरक्षक और कानूनी सलाहकार नजमुल इस्लाम, एपीसीएच के सीओए सदस्य नीरज खन्ना, आईआईए के डिविजनल चेयरमैन विनय मंगला समेत बड़ी संख्या में शहर के निर्यातक और उद्यमी मौजूद रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक प्लेटफॉर्म के सारे एसोसिएशन के लोग आए
और इसके अलावा जो बाहर से लखनऊ से हमारे मेहमान आए उन्होंने भी यकीन दिलाया कि हमारी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए वो काम करेंगे और एसोसिएशन है तो हमारी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। और हाजी इफ्तार साहब ने जो बीड़ा उठाया है और आप भी हमारे हेडक्वार्टर को लीड करेंगे तो ये बड़ी अच्छी बात है, उनको काफ़ी तजर्बा है। जैसे कि उन्होंने अपने हेडक्वार्ट में बूम किया है तो हमारी एसोसिएशन जितनी भी है उसको लेकर सब इकट्ठा होंगे तो हम इनमें कामयाब हो जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? मैं ये कहना चाहूँगा तमाम अपने हेडक्वार्टर भाइयों और आर्टिजन से कि वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों, जो पहली तारीख को हम ज्ञापन देने वाले हैं DM साहब को, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हों ताकि हमारी सरकार को ये मालूम हो सके कि लोग कितने परेशान हैं, वाकई में सभी परेशान हैं, ना कि चंद लोग परेशान हैं। पब्लिक TV आपकी आवाज़।